दोस्तों, आप जो यह चिड़िया का बच्चा देख रहे हैं, इसकी मां दुनिया की सबसे बुरी मां है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो दोस्तों, इस बच्चे की मां ने जन्म देने के बाद ही इसका साथ छोड़ दिया। तभी तो ना ही यह अपने घोंसले में है और ना ही इसका पालन पोषण इसकी मां करेगी, क्योंकि यह बच्चा कुक्कू बर्ड का बच्चा है जो अपने अंडे दूसरों के घोंसले में डालकर चली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, अभी तो यह शुरुआत है, क्योंकि जानवरों की दुनिया में तो इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें होती है। और आज की इस वीडियो में हम आपको एनिमल किंगडम के सबसे बुरे पेरेंट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर आप अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे कि आपके पास ऐसे पेरेंट्स नहीं हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस तरह के रोमांचक वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास ही बने बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टक बर्ड की, जहां यह स्टक बर्ड अपने बच्चे को घोंसले से उठाकर नीचे फेंक रही है। और जिस हिसाब से यह अपने बच्चे को नीचे फेंक रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यह बच्चा जिंदा नहीं बचा होगा। अब आप खुद ही सोचिए, जब इस तरह की निर्दयी माँ हो जो अपने ही बच्चे को मौत की नींद सुला दे, तो हम कुक्कू बर्ड को निर्दयी कैसे बोल सकते हैं। वो तो फिर भी अपने बच्चे को देखभाल के लिए दूसरों के घोंसले में छोड़ देती है। वैसे हम आपको बता दें कि यह अपने बच्चे को नीचे इसलिए नहीं फेंक रही क्योंकि इसे अपने बच्चे से प्यार नहीं है। असल में कई जानवरों को अपने बच्चों को मारने का यह बिहेवियर बिल्कुल सामान्य है। दरअसल जब इस तरह के जानवर अपने बच्चों का पेट भरने में असमर्थ होते हैं, तो वह अपने बच्चों को मार देते हैं, ताकि जो बच्चे बचे हुए हैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जा सके। लेकिन जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जानवरों में इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल सामान्य है। यहां तक कि अपने परिवार को एक करके चलने वाला शेर भी ऐसी हरकत करने से बाज नहीं आते। जैसा कि यह शेर अपने बच्चे को केवल इसलिए मार रहा है क्योंकि अभी वह छोटा है और अपनी माँ का दूध पीकर जिंदा है। ऐसे में जो मादा शेरनी होती है, वह जब तक अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तब तक वह नर के साथ संबंध नहीं बनाती। और इसी बात से गुस्से में आकर शेर ने अपने ही बच्चे को मारना शुरू कर दिया। इसके लिए अपने बच्चे से ज्यादा जरूरी है मादा से संबंध बनाना। अब आप इन तस्वीरों को देखिए, जो आपको पूरी तरह से दंग कर देगी। जब एक मादा हिप्पोपोटामस ने अपने 2 दिन पहले पैदा हुए बच्चे को बाकी के ग्रुप मेंबरों से मिलवाने जाती है, तो कहानी में एक अलग ही मोड़ आ जाता है, क्योंकि इस छोटे हिप्पोपोटामस को देखते ही कई सारे एडल्ट हिप्पो मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देते हैं। बेचारी माँ तो अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जो नर हिप्पोपोटामस का ग्रुप होता है, वह उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। और इनकी आपस की लड़ाई में तो मगरमच्छ की पार्टी हो जाती है। जिस बच्चे को हिप्पोपोटामस मार देते हैं, उसके शरीर को मगरमच्छ खा जाते हैं। यह सारी चीजें देखकर जंगल की दुनिया की सच्चाई काफी घिनौनी लग रही है। पर दोस्तों, एडल्ट हिप्पो का ऐसा करने के पीछे का कारण होता है। असल में जो इनका ग्रुप होता है, उसमें यह ज्यादा सदस्य नहीं होने देना चाहते। इसलिए इनका ग्रुप जब पूरा हो जाता है, तो जब नए बच्चे जन्म लेते हैं, ये उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। बाकी कोई और कारण हो तो इसका अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि यह जीव इतने ज्यादा गुस्सेल होते हैं कि जीव वैज्ञानिक चाहकर भी इनके बारे में ज्यादा जानकारी एकत्रित नहीं कर पाते। और अब हम उसी बर्ड की बात करते हैं जिससे हमने वीडियो की शुरुआत की थी, क्योंकि कुक्कू बर्ड का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। यह अपने अंडे को दूसरे पक्षियों के घोंसले में डालकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती है, बिना सोचे समझे कि जिस पक्षी के घोंसले में वह अंडा छोड़ रही है वह किस प्रजाति का है। और फिर जिस घोंसले में अंडा छोड़ देती है, उसके बर्ड कुक्कू बर्ड के अंडे को अपना समझकर उसका पालन पोषण करते हैं। पर सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि कुक्कू बर्ड टॉप लेवल की मतलबी होती है, तभी तो यह अपने बच्चे को पालती भी नहीं है। पर दोस्तों, ईगल की कहानी इससे बिल्कुल ही अलग है। इन्हें आप अच्छे पेरेंट्स के तौर पर गिन सकते हैं, क्योंकि यह अपने बच्चों को ताजा मीट खिलाती है और उन्हें ठंड, गर्मी और बारिश से भी बचाती है। मतलब एक माँ अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाती है, क्योंकि बाकी का गंदा काम तो इनके बच्चे खुद ही कर लेते हैं। जी हाँ, कहानी में मोड़ तब आता है जब बच्चे अंडे से बाहर आते हैं और वह थोड़े बड़े हो जाते हैं, और उनमें से सबसे बड़ा बच्चा अपने छोटे भाई बहनों पर जुल्म करने लगता है।
यहाँ तक कि जो बच्चे बड़े होते हैं वह छोटे बच्चों की जान लेने से भी पीछे नहीं हटते। क्या आप जानते हैं जब यह सब होता है तो ईगल बैठकर सारा नजारा देखती है और अपने दो बच्चों की लड़ाई में एक को शहीद होने के लिए छोड़ देती है, क्योंकि उसके लिए तो यह अच्छा ही है कि बच्चे कम हो जाएंगे तो उसे खाना कम एकत्रित करना पड़ेगा और मेहनत भी कम लगेगी। दोस्तों, हमें यकीन है कि जानवरों की इन दुनिया की सच्चाई जानकर आपको हैरानी तो हुई होगी। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताइए। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर पास ही बने बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।